शादी के पवित्र बंधन से लेकर तलाक के लिए कोर्ट की दहलीज तक गांव में किसकी बनेगी सरकार, मुखिया को लेकर क्या कहते हैं ग्रामीण, सड़क से लेकर संसद तक देश और दुनिया में सियासत की हर खबर, खेल जगत की हर खबर, सबसे पहले माँ अम्बे न्यूज पर, खबर जो सच दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ जयशंकर प्रसाद वर्मा। खबरों की शुरुआत हम इस समय बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना अंतर्गत चौपारण से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमंत सेवा संस्थान द्वारा बनाए गए कुटिया में वर्षों से रह रहे फलाहारी उर्फ आलू बाबा की निधन हो गया है। और इस निधन की खबर पाकर बाबा के जो भक्त थे वे संस्थान में पहुंचे और संस्थान में जाने के बाद बाबा का दर्शन किया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाबा के जो भक्त थे वे बाबा के पार्थिव शरीर को भद्रकाली मंदिर स्थित ईटखोरी तक ले आए, जहां पर हजारों लोगों ने अपनी नम आँखों से बाबा को विदाई भी दिया और बाबा का दर्शन भी किया। आपको बताना यहां पर ये चाहेंगे कि फलाहारी बाबा जो थे पिछले 30 सालों से सिर्फ आलू खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे और इन्हें लोग जो थे वे इन्हें तप और तपस्या का एक साधु के रूप में जानते थे और ये त्यागी पुरुष थे और ये कहा जा रहा है कि सिद्ध पुरुष थे। अब इनका निधन हो गया। निधन के बाद पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं जो इन्हें जानते थे इनके आंखों से आंसू की धारा बह रही है। आपको बता दें कि निर्मोही अखाड़ा महामंडलेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज के और आचार्य बाल मुकुंद पांडे जी साथ में वाराणसी के विद्वान डॉक्टर चक्रपाणी जी महाराज समेत अन्य पंडितों के मार्गदर्शन में बाबा की जो समाधि स्थल है वो कुटिया में ही बनाया गया है और कुटिया में इनका समाधि भी दी गई है। इस दौरान बाबा के जो भक्त थे वे तो यहाँ मौजूद थे ही, साथ में क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज यादव और नए जो चुनाव जीतकर आए हैं जिला परिषद सदस्य चौपारण जिला भाग के एक के राकेश रंजन भी मौजूद थे, साथ में नए मुखिया भी मौजूद थे। देश और दुनिया की और भी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए माँ अम्बे न्यूज को आप लगातार देखते रहें।